हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। तो बहुत दिन हो गया मैं हिंदी चैनल में ब्लॉग नहीं डाल रही थी, क्योंकि मेरा एक उड़िया चैनल भी है। तो उड़िया चैनल में ज़्यादा व्यूअर्स है, तो मैं उनके लिए सोच के डालती हूँ उड़िया में वीडियो। तो हिंदी चैनल में भी मैं सोच रही हूँ कभी कभार डाल दूंगी, अगर व्यूज़ अच्छा आएगा और लोगों का प्यार अच्छा दिखाई देगा इस चैनल में, तो मैं सोच रही हूँ लगातार डालूंगी। लेकिन ओडिया में भी डालना पड़ता है। अगर ओडिया चैनल किसी को नहीं पता है तो मेरा ओडिया जियो सपना चैनल भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा वीडियो मैं डाली हूँ। और अभी मॉर्निंग देखो टाइम कितना हुआ है, 11:15 हुआ है, और अभी तक मैं कुछ भी काम नहीं की हूँ, जस्ट उठी और नहा के आई। अभी मैं जाऊँगी बेबी का खिचड़ी बनाऊँगी, फिर मैं खाने के लिए एक नया सा रेसिपी शेयर करूँगी आप सबके साथ। अगर आप कोई भी हिंदी है ना मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल में ना हिंदी चैनल में बहुत जन हिंदी सब्सक्राइबर भी है जो कि यहाँ के है और फ्रेंड्स है बहुत सारे, तो उनके लिए वो लोग मुझे बहुत बीच में पूछ रहे थे ये हिंदी चैनल में क्यों नहीं डाल रही हो। तो सोची चलो एक डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक ओडिया में एक दिन और हिंदी में एक दिन ऐसे ही डालूंगी, ट्राई करूंगी, लेकिन पता नहीं होगा या नहीं, फिर बाद में माइंड भी चेंज हो जाएगा। तो अभी जा रही हूँ एक ना बड़ा कर सब्जी बनाऊंगी, जैसे होता है ना दाल चना दाल, उसका बड़ा उड़ीसा में बहुत लोग बनाते हैं, तो उसका जो उसका पेस्ट बना के उसका बड़ा बनाते हैं, फिर उसका एक सब्जी बनता है। तो काजू का पेस्ट डाल के बनाते हैं, बहुत यम्मी होता है, बहुत टेस्टी। और शायद मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैं कभी नहीं बनाई थी, खाई थी लेकिन कभी नहीं बनाई थी। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ, और लंच टाइम भी हो जाएगा क्योंकि बेबी को नहलाना है, फिर उसको खिलाना है, लंच करना है उसका। तो चलिए फिर पूरा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। चलिए। हेलो बेटा, तो ये ना मेरा बेबी, इसका नाम अंश है। अगर किसी को पता नहीं इसका नाम क्या है, तो इसका नाम सुहांस, हम प्यार से गुड्डू बुलाते हैं, अंश है निकनेम। तो ये सुबह जल्दी उठ जाता है, मेरे से पहले तो ये ही उठता है, फिर उठने के बाद घर में इधर उधर घूमता रहता है। ये जितना सारा मेरा रबर बैंड घर में था सब कहाँ कहाँ फेंक चुका है, पता नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी। गुडन शे हेलो हेलो, चलो उसको खेलने दो फिर। व्हाट हैपेंड? हा हा हा, नो और मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाऊंगी। लेकिन मुझे पता है बहुत जन मुझे मैसेज कमेंट करेंगे कि दीदी आपका हिंदी अच्छा नहीं है, ओडिया में कीजिए। तो मैं सोच रही हूँ, देखो हिंदी चैनल में भी ना बहुत लोग बंगाली ओडिया और बहुत सारे लैंग्वेज के लोग हैं जो कि ब्लॉग बनाते हैं, और उनका लैंग्वेज भी पूरा अलग होता है। बंगाली में देखना आप, बहुत सारे ब्लॉगर हैं और उनका पता चल जाता है कि वो लोग हिंदी नहीं बोल रहे हैं, जैसे बंगाली बोल रहे हैं। तो ऐसे ही उनका लैंग्वेज होता है जब हिंदी बात करते हैं, तो फिर भी लोग कितना प्यार देते हैं उनको, देखते हैं, बहुत व्यूज होता है क्योंकि उनको लोग काम देखते हैं, उनका जो हार्डवर्क देखते हैं सब कुछ। तो मैं सोचती हूँ मेरे भी जितने सारे सब्सक्राइबर हैं, मुझे मेरा ना अभी हमें हम इन हिंदी में हम ओडिया है ना, हम लोग जैसे हिंदी बोलते हैं तो ओडिया का थोड़ा सा ये आता है, वैसे ही वो लोग बंगाली है ना हिंदी बोलते हैं तो उनका भी होता है, तो वो पता चल जाता है। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे अगर बात करना स्टार्ट करूँगी तो आगे जाके क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आपका बहुत सारा प्यार चाहिए, तो पता है मैं धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। चलिए फिर, कितना बात कर रही हूँ मैं, टाइम हो गया है बहुत। चलिए फिर मिलती हूँ किचन में,
तो अभी मैं ये ली हूँ चना दाल, और इसको मैं रात में भिगो के रखी थी, और उसके साथ थोड़ा सा जीरा, तो उसको अभी पेस्ट कर लूंगी। और ये वाला जो पेस्ट होता है वो थोड़ा थीक होता है, बहुत पतला नहीं करना है, पूरा जैसे पकौड़ी होता है ना तलने के लिए वैसे ही मोटा मोटा होना चाहिए। तो इसको अभी मैं मिक्सी में पेस्ट कर लूंगी। तो ये हो गया है, पेस्ट हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा ना मैं पानी ज्यादा कर दी थी, मुझे पता नहीं चला, तो पतला हो गया थोड़ा सा। अभी तलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो मैं उसमें क्या करूंगी ना, थोड़ा सा बेसन डाल लूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर पतला हो जाता है तो आप बेसन भी डाल सकते हो उसमें, तो थोड़ा सा मोटा करने के लिए, नहीं तो ऐसे पैन फ्राई करके आपका आप सब्जी बना सकते हो। फ्रेंड्स, सब्जी बनाने के लिए एक पेस्ट बनाऊंगी ऑनियन का। एक प्याज ली हूँ, एक ऑनियन और दो गार्लिक, थोड़ा सा ग्रीन चिली, आप तीखा अगर खाते हैं तो ज्यादा ले सकते हो, और थोड़ा सा जीरा, इतना ही पेस्ट बना लूंगी इसका। फिर अलग से मैं काजू का पेस्ट भी बनाऊंगी, ये कैशोस मेरे पास है, रात में भिगो के रखी थी, तो इसका पेस्ट बनाऊंगी। मेरे पास जो दाल का पेस्ट था, अभी मैं उसका पकोड़े बनाऊंगी, जैसे पकोड़े बनाते हैं ना वो खाने के लिए, वैसे ही सेम बनाना है, डीप फ्राई करना है। फ्रेंड्स, अभी मैं बनाऊंगी सब्जी, और ये वाला सब्जी आप घर में जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ऑयल ली, ऑयल में थोड़ा सा जीरा और लौंग डाली, उसके बाद मैं जो ऑनियन का पेस्ट बनाई थी ना वो पेस्ट उसमें डाली, और उसके ऊपर थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर, ये डालने के बाद उसको वैसे ही मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा टाइम के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके साथ मैं एक मिक्सी में ली हूँ टमाटर और थोड़ा सा काजू और कोकोनट, वो तीनों पेस्ट बना लूँगी। कोकोनट डालते हो ना उसका स्मेल बहुत अच्छा आता है, तो इस मसाला तो ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी मैं ऐड की, और जो कोकोनट ग्राइंडिंग की थी और टमाटर कोकोनट उसको भी ऐड कर ली, और थोड़ा टाइम के लिए ऐसे ही पकाने के लिए रख लूँगी मैं, 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही पकाऊँगी। तो ऑलरेडी मसाला अच्छे से पक चुका है, तो उसमें मैं पानी डालूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट डाल लूँगी, फिर 10 मिनट के लिए उसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। जब बॉयल हो जाएगा तब मैं उसके अंदर पकोड़े डालूंगी। फ्रेंड्स, सब्जी बन रहा है, और अभी बेबी का लंच टाइम भी हो गया है, तो उसके लिए मैं खिचड़ी बनाई हूँ, पालक, कैरेट और मूंग दाल, राइस, घी, ये सब डाल के। तो अभी उसको खिलाऊंगी लंच, फिर वो सो जाएगा, फिर हम लोग लंच करेंगे। तो सब्जी ऐसे ही घर में बनाइए और देखना इतना मस्त टेस्टी बनेगा ना। ये एक बार फ्रेंड बना के सबको दी थी हम लोग को, लास्ट में होने के बाद उसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी का जो लीफ है ना, उसको ड्राई वाला, उसको मैं डाल दूंगी, और मजा ही आ जाएगा, बहुत टेस्टी बनता है ये सब्जी। तो चलिए अभी बेबी को खिलाती हूँ, टाइम भी हो गया है, फिर मिलती हूँ आपसे। ये वाला जो सब्जी मैं बनाई, तो उसका रेसिपी तो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और ये बहुत ही यम्मी बनता है, आप भी घर में ट्राई कीजिएगा। तो ये भी अरबी और लौकी का पिठो भजा हम बोलते हैं, तो ये खाने में बहुत ही मस्त लगता है। चावल का आटा के साथ नमक मिर्ची सब डाला हुआ रहता है, और ये है हमारा लंच प्लेट। कैसा है खाना? ये वाला करी बहुत बढ़िया है। हाँ, ये थोड़ा सा ग्रेवी थीक हो गया है, तो थीक होने से ही खाने में अच्छा लगता है, तो सच में अच्छा है ना, बहुत सॉफ्ट हुआ है, इसलिए तो अच्छा लग रहा है खाने में। ये लौकी, और ये तो मैंगो का सीजन है, मेरे घर में भी ना मैंगो के सीजन में पूरा समर मैंगो के साथ ही राइस खाते हैं, जैसे बहुत सारे आइटम बनाते हैं लेकिन मैंगो कंपलसरी हो जाता है।
मार्केट में आता है, मीन्स मेरे घर में इतना इतना सारा पापा लाके रख देते हैं, खाओ राइस के साथ। हम लोग राइस के साथ ही मैंगो ज्यादातर खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपके घर में भी ऐसा करते हैं? पता नहीं, और कुछ वेजिटेबल राइस के साथ क्यों नहीं खाते हैं, फ्रूट्स मैंगो क्यों खाते हैं, ऐसा कुछ है आइडिया? मैंगो इज द ऑलराउंडर, मैंगो नेशनल फ्रूट, इसलिए राइस के साथ खाते हैं। बाद में मिलती हूँ, खा लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग का लंच हो गया और दोनों बैठे हैं, बोरिंग, बहुत बोर लग रहा है। इनका ऑफिस का काम भी चल रहा है और गैप अभी थोड़ा सा, अभी नहीं है काम, बैठे हैं वो भी, कुछ वगैरह इतना जरूरी काम नहीं। तो इतना बोर होती हूँ ना घर में बैठ बैठ के, आज इतना बोर लग रहा है, पता नहीं क्यों। कब जाएंगे बाहर? अमेरिका में ना लॉकडाउन तो नहीं हुआ है, सब कुछ कुछ जगह में हुआ है क्या लॉकडाउन? सेल्टर इन प्लेस लॉकडाउन नहीं हुआ है ना अभी तक, कोई भी जगह में नहीं हुआ। न्यूयॉर्क में नहीं ना, हाँ लॉकडाउन, अमेरिका में अभी तक लॉकडाउन नहीं हुआ है। इसके कारण ना हम लोग, अगर लॉकडाउन होता तो लोग तो घूम ही नहीं पाते बाहर, लेकिन हम लोग का क्या है ना, हम लोग ऐसे ही बैठ गए हैं लॉकडाउन के जैसा। बाहर मेरे तो घर से जो एक घर के बाहर भी नहीं जा पाती हूँ, ये इतना डांटते हैं, डस्टबिन फेंकने के लिए भी नहीं जा पा रही हूँ, इतना डर लगता है, पता नहीं। यो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हम जहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पे भी एक दिन अभी कितना केस हो गया है, 2000 यहाँ पे, 2000 का, ये एक छोटा सा जगह है सिटी, और इतना ज्यादा हो गया है, 2000 तो ज्यादा ही है। न्यूयॉर्क एक जगह है ना, वहां पे सबसे ज्यादा है। दिमाग खराब हो गया है घर में बैठ बैठ के, दिमाग खराब हो गया। कब जाएंगे बाहर घूमने के लिए? कुछ कुछ लोग ना बाहर में घूमते हैं, डॉगी वगैरह लेके घूमते हैं, तो देखने से इतना मन करता है कि थोड़ा सा एक राउंड नीचे घूम के आ जाऊं, लेकिन नहीं हो पाता, ये निकलने नहीं देते मुझे घर। थोड़ा यहाँ तो पेड़ है, पेड़ मेरे घर के सामने कोई भी लोग नहीं है बाहर, मैं तो जाके एक राउंड घूम के आ जा सकती हूँ। यहाँ हम लोग इतना क्लोज फ्रेंड है, बहुत जन फ्रेंड है यहाँ पे, आप तो देखे होंगे मेरे वीडियो में, हम किसी के घर पे भी नहीं जाते हैं अभी, ना डर लगता है, कोई किसी के घर पे नहीं जाते हैं, सब अंदर, सब क्वारंटाइन डेज घर में ही निकालते हैं, कोई बाहर नहीं जाते हैं। कोरोना टाइम, इट्स कोरोना टाइम, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया है, दिमाग, आपका दिमाग खराब, मेरा दिमाग खराब, क्या करूँगा। उसका डायलॉग क्या है, बोलो, ऐसे ऐसे जो करता है, एक हीरो है ना ऐसे ऐसे, नाना पाटेकर, एक मच्छर, एक मच्छर ने दिमाग खराब करके रखा, एक कोरोना, एक कोरोना है, नहीं दिमाग खराब करके रखा है, दिमाग खराब करके रखा है, एक कोरोना। कुछ भी देखती हूँ तो वहां लगता है कि नहीं यहाँ पे कोरोना है, कुछ भी टच करती हूँ तो लगता है कि इसमें कोरोना है, इतना कोरोना कोरोना कोरोना, चारों तरफ ही कोरोना दिखता है, और दिमाग खराब हो गया है, क्या कब होगा पता नहीं। आगे जाके बहुत सारा फेस्टिवल आने वाला है, बहुत सारा उड़ीसा का, हम लोग का बहुत सारा फेस्टिवल शायद नहीं हो पाएगा इस साल सेलिब्रेट, क्योंकि अगर कोरोना नहीं जाएगा तो हम किसी के घर कैसे जाएंगे, और कुछ नहीं कर सकते हैं, पता नहीं क्या होगा हम लोग का। और मेरे इतना छोटा सा बेबी है ना, बेबी भी बोर, अभी तो बेबी को पता ही नहीं चलता है कि वो घर में ही रहता है, छोटा है, उसको तो पता नहीं कि बाहर का क्या सीन है, बाहर का
जब वो पहले और भी छोटा था तो मैं उसको बाहर लेके जाती थी घूमने के लिए और लॉबी पे लेके जाती थी, यहाँ पे लॉबी में। लेकिन जब से कोरोना आ गया है वो घर में ही अंदर में ही है, तो उस पहले धीरे धीरे उसका पहले वो रोना स्टार्ट किया था मुझे क्यों घर में रखे हो बोल के, फिर धीरे धीरे वो दिमाग से चला गया उसका। अभी एकदम फाइन, घर में वो एडिक्टेड हो गया है और उसको बाहर भूल गया है, बाहर एक चीज है बोल के। जब वो बाहर जाएगा उसको क्या लगेगा मुझे सोच रही हूँ, उसको लगेगा कि फर्स्ट टाइम मैं एक जगह में आई हूँ, उसको क्या फील होगा मैं सोच रही हूँ ना। वो भूल गया है एक्चुअली ना, रोता नहीं, पहले रोता था मुझे लो लॉबी में लेके जाओ बोल के, अभी नहीं रोता है। और उससे बड़े जो जितने भी बच्चे होंगे ना सबका, उनका हालत क्या होगा मैं सोच रही हूँ, जो खेलते थे फ्रेंड्स मिलके, छोटे छोटे जो बच्चे 7-8 साल के बच्चे, वो लोग तो और भी ज़्यादा दिमाग खराब करते होंगे मुझे लगता है मम्मी लोग का। और मैं दिमाग इनका खराब करती हूँ अगर मैं बोर होती हूँ तो ना, कैसे करती हूँ। इनका क्या है, ये तो ऑफिस काम करते रहते हैं दिन भर, मैं क्या करूँ, मैं तो बोर होती हूँ ना, तो चलो मैं और क्या रहती हूँ, बाद में बात करती हूँ। इस कोरोना टाइम, इस दिमाग खराब टाइम, इस कोरोना टाइम मोनी सा जीवन आज ही अच्छी काली की नहीं, बहुत बोर हो गए। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का होल डे का रूटीन, और बहुत बोरिंग डे था आज, दिमाग ख़राब हो चुका है मेरा घर में बैठ बैठ के। तो फिर आऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में और एक नए रूटीन के साथ, तो स्टे होम स्टे से, बाय बाय।